हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशटेक। और मेरा नाम है अशोक कुमार। आज हम बात करेंगे हॉनर 10 लाइट के बारे में, और आज हम हॉनर 10 लाइट के अनबॉक्स और उसके रिव्यू करेंगे और उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और लेट्स स्टार्ट इट। फ्लिपकार्ट से मंगवाया है हॉनर 10 लाइट को। ये 4GB 64GB वेरिएंट है, और इसको मुझे लगा था 13,399, मतलब 14,000 का फ़ोन है ये। और चलो इसको अनबॉक्स करके देखेंगे इस पर क्या क्या है। और देख सकते हैं पैकेज, और ये अभी तक सील्ड है, अभी तक मैंने इसको ओपन भी नहीं किया हूँ। और ये देख सकते हैं बिल विद GST 13,399 फ्रॉम फ्लिपकार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं ये बॉक्स है, और उसी के साथ देख सकते हैं ये अभी भी सील्ड फोन है। और चलो इसको अनबॉक्स करेंगे हम, सर से सील खोल दी है हमने। देखो अभी फोन ब्लू कलर पे आता है, इसको बोलते हैं सफेद ब्लू कलर, बोलते हैं सफेद ब्लू, देख सकते हैं। और फोन ये है, इसी साइड पे रखेंगे हम फोन को अभी। इसके साथ देखेंगे क्या क्या आता है, दूसरे थिंग चीज़ है, एक बॉक्स है। और देख सकते हैं यहाँ पे चार्जर है, एक 5 वोल्ट चार्जर है, 2 एम्पियर चार्जर, 5 वोल्ट 2 एम्पियर चार्जर है। और देख सकते हैं ये टाइप सी नहीं है, नॉर्मल USB केबल है ये, आप देख सकते हैं। उसके साथ चार्जर है यहाँ पे एडाप्टर, और उसी के साथ इस पर कुछ भी नहीं आता है बॉक्स। इवन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे TPU केस है, सिलिकॉन का प्लेन केस है यहाँ पे। नहीं, आप देखेंगे TPU केस लगा के कैसे दिखता है फ़ोन। फ़ोन ऐसे दिखता है ये केस के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसी के साथ मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड, और उसके बाद एक अलग डिज़ाइन है थोड़ा, हॉनर का रेगुलर सिम इजेक्टर उसके साथ आता है, हुआवे वारंटी कार्ड। और इससे सबको, इस सब चीज़ों को साइड पे रखेंगे हम अभी, उसके साथ देखेंगे। सारे फ़ोन मेड इन इंडिया ही हो रहा है। हॉनर, यहाँ पे हॉनर का लोगो है, साइड पे हॉनर का लोगो है, और ये दिखता है मेटल जैसे, लेकिन ये मेटल नहीं है, एक कार्बन, सॉरी ये मेटल नहीं है, और ये फाइबर की बनी हुई बैक कवर है। और पे अप एंड डाउन बटन है, और यहाँ पे लॉक बटन है, और यहाँ पे वॉल्यूम रॉकस है, और उसके साथ यहाँ पे एक स्पीकर है, और यहाँ पे नॉर्मल USB केबल है, और यहाँ पे 3.5mm जैक ईयरफोन का जैक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे टॉप पे सिम ट्रे है, पूरे तरीके से सील्ड है। और बैटरी आता है 3400mAh की बैटरी आता है, देख सकते हैं ड्यूअल कैमरा फ़ोन है। और इस पे आता है 13+2 मेगापिक्सल, और फ्रंट पे आता है 24 मेगापिक्सल का एक कैमरा। आप उसे अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे आता है ड्यू ड्रॉप वाला नॉच, इसे ऑन करने के बाद आपको दिख जाएगा, अभी तो फिलहाल ये दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे आता है एक ईयर पीस, इसे भी मैं बाद में दिखाता हूँ आप लोगों को, देखेंगे इसको बूट अप करेंगे। अब हम फ़ोन अभी बूट अप हो रहा है, इस पे आता है 4GB 64GB। ये फ़ोन आता है 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, और f1.8, और 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आता है, वो है f2.0 का। और इसी के साथ 3400mAh के बैटरी मिलता है, और ये आता है 6.21 इंच का फ़ोन।
डिस्प्ले आता है और ये 19.5:9 रेशो बॉडी एक्स रेशो है इसका और हाई सिलिकॉन किरिन 710 प्रोसेसर पे चलता है और ये क्वाड कोर प्रोसेसर पे चलता है। तो बॉक्स हमें एंड्रॉयड 9.5 मिलता है इस पर और EMUI मतलब हॉनर का अपनी OS है इस पर EMUI। चलो अभी बूटअप हो गया है फ़ोन, देख सकते हैं आप नॉच आता है ड्यूटॉप वाला यहाँ पे और ये 24 मेगापिक्सल का कैमरा है यहाँ पे, बच्चे 2.0 और 24 मेगापिक्सल है और देख सकते हैं। मैं अभी थोड़े बहुत सेटिंग्स कर लेता हूँ इसका, मैंने सारे मतलब अब मैंने सारे बेसिक सेटिंग्स किए हैं अभी, पासवर्ड डाल दिया और फिंगरप्रिंट अनलॉक भी रख दिया और फेस अनलॉक भी रख दिया। हम टेस्ट करेंगे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक के लिए। देखो अभी देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड तो है लेकिन उतना स्पीड नहीं है कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी फिर भी अच्छा चल रहा है अभी तक। देखेंगे अभी फेस अनलॉक कैसे चलता है, देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टेंट खुल रहा है अभी। देखो अभी देखो अभी मैंने अभी इसे रख रहा हूँ, अभी देखो अभी थोड़े अभी थोड़े फ़ोन को क्रॉस रख के जब मैंने टच किया तो थोड़े टाइम लगेगा, लेकिन अभी डायरेक्टली आप अनलॉक करके लॉक बटन रख के आपके फेस पे लगेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। देखो अभी फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट बढ़िया चल रहा है अभी तक, इस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर बटन है, आप ईयर पीस है देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी सी ईयर पीस है वो कैमरे के ऊपर है, तो नॉचलेस है लेकिन बेस पे आप देख सकते हैं बॉटम चिन ऐसी रखे हैं उन्होंने, छोटी सी है लेकिन टॉप भी सिर्फ ड्यू टॉप वाला डिज़ाइन है। ये बहुत मुझे पसंद आया कि इसका डिज़ाइन ग्लॉसी डिज़ाइन और ये देखो एक शाइनी बैक है इसका और उसके साथ फ़ोन अभी तक स्मूथ ये से चलाने पे स्मूथ लग रहा है मुझे फ़ोन। और उसी के साथ आप देख सकते हैं आप होल्ड करने के टाइम पे भी आपको पता चल रहा है कि ये बहुत लाइट वेट है और इसके कारण पहला कारण है ये फाइबर की बनी हुई है, आप इसको आप होल्ड करने तक ये आपको पता भी नहीं चलेगा ये कि ये ग्लास वाली बैक डिज़ाइन है या फाइबर की, क्योंकि देखने पे तो ये सिर्फ ग्लास डिज़ाइन ही दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअली ग्लास डिज़ाइन नहीं है, ये सिर्फ एक फाइबर की ग्लॉसी डिज़ाइन दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी सी फिनिशिंग भी है। उसके साथ हम सिम ट्रे एक बार देख लेंगे इस पर कि टॉप में सिम ट्रे इसका और देखेंगे इस पर, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, इस पर आप सिम एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं या दोनों सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं लेकिन एक ही साथ दो सिम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये था आज का अनबॉक्सिंग ऑफ हॉनर 10 लाइट। और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करो, हमारे आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखो और बेल आइकन को दबाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।